हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ जर्नल एंट्री इन अंडर 15 मिनट। ये 15 मिनट्स के लेक्चर के अंदर आपका जो पूरा जो कंसेप्ट है ना जर्नल एंट्री का, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सी देखो यार, पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंट है, पूरी दुनिया में जैसे कि परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन सभी जो पूरी दुनिया में जो अकाउंट होते हैं ना, इनको मैं 5 हेडिंग में क्लासिफाई करूंगा। 5 मेजर हेडिंग। और वो 5 मेजर हेडिंग क्या है? एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस या लॉस, इनकम और प्रॉफिट और कैपिटल। अगर आपने जो अकाउंट को इन 5 में क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद जर्नल एंट्री सबसे सिंपल हो जाएगा आपके लिए। सर कैसे? चलो पहले सर ये 5 हेडिंग तो बता दो। तो 5 हेडिंग मैं आपको बता चुका हूं, चलो एक एक को डिस्कस करें। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं एसेट। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी है, या जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, या मुझे किसी से पैसे लेने हैं। सर मतलब समझाओ, जैसा कि मेरे पास एक लैपटॉप है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, वो 2-3 साल आराम से चलता है, तो वो मेरा एसेट है। बिल्डिंग है, वो भी सर 5-10 साल आराम से चलती है, वो भी मेरा एसेट है। लैंड है, वो भी मेरा एसेट है। मुझे एक राहुल से पैसे लेने हैं, मैंने उसको पैसे उधार दिए थे, उससे पैसे लेने हैं, वो भी मेरा एसेट है। मेरी जेब में जो कैश है, वो भी मेरा एसेट है। मतलब जो भी एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, या मुझे किसी से पैसे लेने हो, या फिर पैसा, वो सब मेरा क्या हो गया? एसेट हो गया। तो सर ये लाइबिलिटी, ये एसेट के एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। तो सर ये लाइबिलिटीज क्या होता है? अरे लाइबिलिटीज वो अमाउंट होता है जो मुझे किसी को पे करना है। मतलब मैंने किसी, लेट सपोज मैंने अमित से पैसे उधार लिए, तो भाई मुझे अमित को पैसे पे करने हैं, तो वो मेरी क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई। मैंने बैंक से लोन लिया था 2 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी तो खरीद ली, बैंक को पैसा वापिस देना है ना, तो वो भी क्या हो गया? वो भी सर लाइबिलिटी हो गई। मैंने पेन बनाता हूं, पेन बनाने के लिए इंक खरीदी, उसको पैसा नहीं दिया नेहा को, तो भैया नेहा को मुझे पैसा देना है, वो मेरी लाइबिलिटी। मुझे अगर किसी को पैसा देना है, तो वो क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा। ओके सर, तो ये लाइबिलिटी का एग्जांपल। इनकम, अरे इनकम क्या होता है? जो मुझे फायदा होता है। मैंने पेन बेचे, एक पेन 10 में बेचता हूं, 1000 पेन बेचे, तो 10,000 का मेरी क्या हो गई? इनकम हो गई, वो मेरी सेल्स हो गई। मुझे किसी ने कंसल्टेंसी दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, मेरी कंसल्टेंसी इनकम लाओ, उसने मुझे 2000 रुपए दिए कंसल्टेंसी इनकम, तो वो क्या हो गई? मेरी इनकम हो गई। तो इनकम क्या होता है? कंसल्टेंसी इनकम। इंटरेस्ट इनकम, मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, उससे मुझे इंटरेस्ट आया, वो भी क्या हो गया? मेरा इनकम हो गया या प्रॉफिट हो गया। अच्छा सर ये एग्जांपल है। एक्सपेंस क्या होते हैं? अरे एक्सपेंस जो होते हैं खर्चे, जैसे मैंने लैंडलॉर्ड को मैंने रेंट पे किया, इस घर में मैं जो काम कर रहा हूं इसका रेंट पे किया, तो सर ये एक्सपेंस हुआ। टेलीफोन यूज किया, एक्सपेंस। तो सर आपने लैपटॉप खरीदा, वो भी तो खर्चा हुआ। लैपटॉप की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ये रेंट की लाइफ तो 1 महीने ही होती है। मैंने 1 महीने का बिल्डिंग यूज की और रेंट दिया, खत्म। एम्प्लॉय ने मेरे यहां पे काम किया 1 साल, मैंने उसको सैलरी दी, तो भैया खत्म। मतलब मेरा और उसका रिलेशन क्या रहता है? जैसी उसने सर्विस दी और उसकी सर्विस की वैल्यू खत्म हो गई। मैं रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, खर्चा हो गया, तो वो खर्चा हो गया। हाँ मैं दुकान पे गया और मैंने एक मशीनरी खरीदी जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वो एसेट में आएगा, वो एक्सपेंस में नहीं आएगा। खर्चा वो होता है जिसकी लाइफ 1 साल से कम होती है, जैसे रेंट, ट्रेवलिंग, सैलरी, ये सब यूज करते खत्म हो जाते हैं। ओके सर समझ में आ गया, इसको लॉस भी बोलता हूं। और लास्ट कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो मालिक का जो पैसा होता है, जो मैं बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता हूं, जो बिजनेस में जो पैसा डालता है, वो कैपिटल होता है। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्री है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी जी, तो वो मालिक है, ओनर है, तो वो कैपिटल है। मैंने कोई कंपनी चालू की, तो दीपक इज अ ओनर। तो जो मालिक जो पैसा डालता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया कि अगर ये राहुल ओनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 4 लाख रुपए बिजनेस में डाले, तो जो राहुल जो अकाउंट का जो मैं नाम दूंगा वो कैपिटल। तो कैपिटल इज ओनली एंड ओनली यूज फॉर दोस पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। सर कैसे मालूम चलेगा कि ये ओनर है या नहीं है? अरे ओनर वो होता है जिसका फायदा, जिसका नुकसान। आज इस कंपनी को 5 करोड़ का फायदा हुआ, पूरा फायदा किसका? इसका। हां 5 करोड़ का फायदा हुआ, उसने बैंक से लोन भी लिया हुआ है, बैंक को तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करेगा, लोन फायदा जो होगा और नुकसान होगा ये मालिक।
मालिक ही झेलता है। तो मालिक कौन होता है? जो फायदा और नुकसान झेलता है उसको मैं मालिक बोलता हूं। तो समझ में आ गया? तो आपको ये पांचों हेडिंग समझ में आ गई। कौन कौन सी? सर ये मैंने आपको कहां लिखवाया है? एसेट लाइबिलिटीज, इनकम प्रॉफिट, एक्सपेंस ऑफ और लॉस और कैपिटल और ड्रॉइंग। भाई ड्रॉइंग क्या होता है? जब मालिक पैसा निकालता है, मालिक के दो अकाउंट ही ओपन होते हैं, ओनर के, कैपिटल और ड्रॉइंग। जब पैसा निकालेगा बिजनेस से तो ड्रॉइंग। अभी आपको बाद में समझाऊंगा। ओके चलो भाई, ये तो समझ में आ गया। तो फिर रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या है? रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट है ये रहा। देखो डेबिट एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ेंगे तब डेबिट होगा, जब जब बढ़ेंगे डेबिट होगा, जब जब घटेंगे क्रेडिट होगा। एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ेंगे डेबिट होगा, जब जब घटेंगे क्रेडिट होगा, बस ये याद करना है। और लायबिलिटी इनकम कैपिटल जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं एल आई सी, जब जब बढ़ेंगे क्रेडिट होगा, जब जब घटेंगे डेबिट होगा। उल्टा चल रहा है हिसाब। एसेट और एक्सपेंस का एक ही रूल है, जब जब बढ़ेंगे डेबिट, जब जब घटेगा क्रेडिट। और लायबिलिटी इनकम और कैपिटल, पांच हेडिंग बताई ना, तो ये तीन हेडिंग का जब जब बढ़ेगा आपका क्रेडिट और जब जब कम होगा तो डेबिट। सर क्वेश्चन कराओ, ऐसे समझ में नहीं आता। चलो आपको क्वेश्चन कराता हूं। मैंने 4 अप्रैल को एक मशीनरी खरीदी 30,000 की कैश में। चलो सर एंट्री बताओ। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैंने मशीनरी खरीदी। ओके तो मशीन, मेरे दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? मैंने एक मशीनरी खरीदी और उसके बदले कैश दिया, तो मशीनरी और कैश भाई दो ही अकाउंट इन्वॉल्व हुए ना। मैंने एक मशीन खरीदी और मैंने कैश पे किया, तो मशीन क्या है? अरे भाई मशीन एसेट है क्योंकि इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। और कैश क्या है? सर कैश भी एसेट है सर, क्योंकि जेब में पैसा है वो मेरा एसेट होता है, वो लायबिलिटी तो है नहीं, इनकम भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं। इनकम जब होती है, जब मैं पैसा कमाता हूं, उस हेडिंग को इनकम बोलूंगा। अभी सिर्फ मैं पैसा दे रहा हूं तो कैश। ओके तो मशीन एसेट, मेरे बिजनेस में मशीन आ रहा है जा रहा है? सर मेरे बिजनेस में मशीन आ रहा है, तो आ रहा है मतलब एसेट, और एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है मेरे बिजनेस में, एसेट बढ़ रहा है। और जब एसेट बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एसेट बढ़ रहा है डेबिट। अच्छा दूसरा कैश, कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट होगा? अरे कैश जा रहा है आ रहा है? सर कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। ओहो कैश जा रहा है, मेरा एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? सर एंट्री होगी मशीन डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। पहले हमेशा डेबिट आता है टू कैश। ओके मेरा मशीन कितने का है? 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए समझ में आ गया। मशीन आ रही है, एसेट बढ़ रहा है, कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। एसेट का ही रूल लग रहा है। चलो सर समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कराओ। रेंट ऑफ ₹40,000 पेड वाया चेक। मैंने रेंट पे किया तो एक तो मेरा रेंट एक्सपेंस हो गया और मैंने चेक से पे किया, इसका मतलब है मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। अरे भाई मैंने रेंट चेक से पे किया है तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा ना। हाँ रेंट क्या है? सर रेंट खर्चा है, रेंट खर्चा है सर, रेंट खर्चा है। अच्छा ठीक है, अगर रेंट खर्चा है तो बैंक क्या है? सर बैंक मेरा एसेट है। अरे भाई मेरे बैंक में सपोज करो 5 लाख पड़े हैं तो वो क्या हो गया? मेरा एसेट ही तो हुआ। मुझे बैंक से 5 लाख रुपए लेने हैं, बैंक में पड़े हैं मेरे 5 लाख रुपए, तो वो मेरा एसेट ही तो हुआ। और रेंट क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया। अच्छा जब मैंने रेंट पे किया 42,000 तो मुझे बताओ मेरा खर्चा हुआ इनकम हुई? अरे खर्चा सर, आप रेंट पे कर रहे हो मेरे लिए खर्चा, और खर्चा हो रहा है, हो रहा है, खर्चा हो रहा है, रेंट हो रहा है, खर्चा बढ़ गया, तो खर्चा बढ़ गया डेबिट। बैंक, मैंने रेंट पे किया, मैंने चेक से पे किया, बैंक बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? सर बैंक बैलेंस कम होगा ना, तो मेरा एसेट कम हो रहा है, तो सर ये क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरा बैंक में पैसा गया, 42,000 मैंने रेंट दिया। क्लियर है? नहीं क्लियर है सर? क्लियर है। चलो एक और एंट्री कराओ। सर मैंने कंप्यूटर परचेस किया, रवि से क्रेडिट में परचेस किया। अच्छा मैंने एक कंप्यूटर खरीदा। ओके अपने बिजनेस को बिना कंप्यूटर के तो मैं चला ही नहीं सकता। कंप्यूटर खरीदा और मैंने किससे लिया? रवि से। पैसा दिया क्या मैंने इसको, रवि को? नहीं सर, मैंने मैंने रवि से कंप्यूटर लिया, पैसा नहीं दिया, ऑन क्रेडिट लिया।
लिखा हुआ है, ओहो ऑन क्रेडिट पैसा नहीं दिया मतलब रवि को पैसा देना है। कंप्यूटर क्या होता है? सर कंप्यूटर तो एसेट होता है, उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा है। रवि क्या है? सर रवि मेरी बुक्स में लाइबिलिटी है, मुझे उसको पैसा पे करना है। मुझे रवि को पैसा पे करना है ना, तो रवि क्या हो गया मेरी बुक्स में लाइबिलिटी हो गई। ओके एसेट बढ़ता है कम हो रहा है? सर कंप्यूटर मेरी बिजनेस में आ रहा है, बढ़ रहा है। अरे एसेट बढ़ेगा तो अरे भैया डेबिट होगा, डेबिट होगा। अच्छा रवि लाइबिलिटी है, मुझे उसको पैसा पे करना है, मुझे उसको पैसा पे करना है। लाइबिलिटी बढ़ रही है मेरी, लाइबिलिटी बढ़ रही है। अरे लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होगा ना, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या करूंगा? अरे भर क्या बात कर ली, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, टू रवि अकाउंट। आपने 85,000 का कंप्यूटर लिया और आपको रवि को पे करने हैं बिकॉज आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। सॉरी एक और एग्जांपल कराओ ना, रिसीव इंटरेस्ट इनकम ऑफ 15,000 इन कैश। मुझे इनकम मिली, एक तो मुझे कैश आया। क्यों आया कैश? क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट इनकम हुई, मेरे को इंटरेस्ट इनकम हुई, मेरे पास कैश आया और इंटरेस्ट इनकम हुई। कैश कितना? 15,000 रुपए। कैश क्या है? पर कैश तो हमेशा एसेट होता है, और इंटरेस्ट इनकम पर बेसिक सेंस है ना, इनकम ही तो हुई। ओके चलो मुझे मिला, मुझे पैसा मिला 15,000 रुपए। कितना मिला? 15,000 रुपए पैसे मिले, तो मेरे पास कैश बढ़ा है कम हुआ? पर एसेट बढ़ा, एसेट आपका बढ़ा, डेबिट करो, डेबिट करो, डेबिट करो। क्या करोगे? डेबिट। तो मैंने कैश क्या किया? अरे क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट। कितना? सर 15,000 रुपए। अच्छा सर ये तो हो गया। दूसरा सर रुको, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम हो रही है, इनकम मेरी बढ़ रही है कम हो रही है? सर इनकम मेरी बढ़ रही है, इनकम मेरी बढ़ रही है। मुझे पैसा मिला क्योंकि मेरी इंटरेस्ट इनकम आई 15,000 से। जब जब इनकम आएगी इनकम बढ़ेगी, तो 15,000 से मेरी इनकम बढ़ गई है। तो जब इनकम बढ़ती है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो टू इंटरेस्ट इनकम। कितना? सर 15,000 रुपए। समझ में आया? मतलब कैश बढ़ा और इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्या होगा? सर क्रेडिट होगा। सर एक और कराओ, चलो एक और कराओ। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर राहुल, 5,00,000 इन कैश। राहुल जो मेरे बिजनेस का मालिक है, उसने मेरे बिजनेस में 5,00,000 रुपए डाले, तो मेरे पास तो भाई साहब कैश आया, कैश आया। और किसने डाले? राहुल ने डाले। तो राहुल मेरे बिजनेस का मालिक है, और मैं आपको बता चुका हूं जो मालिक होता है वो उसका कैपिटल अकाउंट ओपन होता है, जो मालिक होता है उसका, अरे भाई कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। तो कैश मेरा एसेट है, हाँ सर, और जो कैपिटल है वो राहुल कैपिटल वो है। ओके कैश है, तो भैया कैश मेरे पास आया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो अरे डेबिट होता है कैपिटल। अरे राहुल ने पैसा डाला तो राहुल का कैपिटल बैलेंस नहीं बढ़ाऊंगा, कैपिटल बैलेंस बढ़ गया क्योंकि राहुल जो मेरा मालिक है उसने पैसा डाला, तो मैं अपनी बुक्स में राहुल का कैपिटल बैलेंस बढ़ा दूंगा, तो मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है, और जब जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट। कितना? 1,00,000 रुपए डाला, 5,00,000 रुपए डाला, 5,00,000 रुपए डाला। समझ में आ गया? कैश आया, एसेट बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ा, तो कैपिटल हो गया, क्रेडिट हो गया। क्लियर है? तो इसी तरह मैंने आपको क्लियर कर लिया जर्नल एंट्री। तो आप अच्छा लगा तो लेक्चर सब्सक्राइब जरूर करो कि आपके लिए अकाउंट बहुत ईजी करूंगा। मेरा जो 8 घंटे का जर्नल एंट्री का वन शॉट वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च करो जर्नल एंट्री वन शॉट अकाउंट फंडा, आपको मिल जाएगा। वहां पे पूरा जर्नल एंट्री मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, A to Z सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं। और अच्छा लगा तो यार लाइक तो आप कर ही लेना, एंड यस मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, एंड यस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, एंड लाइक जरूर करना फॉर द यूट्यूब, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर।